हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी लाइफ। तो अभी चल रहा है स्वस्थ श्राद्ध पक्ष, 16 श्राद्ध चल रहे हैं, तो आज मैं उसी के बारे में बात करने जा रही हूँ। तो 16 श्राद्ध जो शुरू हुए थे वो 29 सितंबर से शुरू हुए थे और जिसका समापन 14 अक्टूबर को यानी कि पितृ अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। अमावस्या के दिन ऐसा क्या करें जिससे आपके पितर आपको आशीर्वाद दें और आपके सभी बिगड़े हुए काम बनते चले जाएं। वैसे तो साल में आने वाली सभी अमावस्या का बहुत अधिक महत्व होता है, किंतु अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की जो कि सर्व पितृ अमावस्या कहलाती है, इस अमावस्या को पितृमोक्ष अमावस्या भी कहते हैं। कहा जाता है कि 15 दिनों की पितृपक्ष की अवधि के दौरान पितर हमारे धरती पर आते हैं, इसलिए इनकी आत्माओं की शांति के लिए श्राद्ध पक्ष किया जाता है। पितृपक्ष के 16 दिन तिथि अनुसार श्राद्ध किया जाता है। अमावस्या तिथि पर किया गया श्राद्ध परिवार के सभी पुरुषों की आत्माओं को प्रसन्न करता है। इसके अलावा अगर किसी की अकाल मृत्यु हुई हो तो सर्वप्रीत अमावस्या के दिन तर्पण किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पितरों की मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए इस अमावस्या को सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या भी कहा जाता है। सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितरों को खुश करने के लिए सबसे अच्छा दिन माना जाता है। यदि श्राद्ध के दिनों में कोई भूल हो गई हो तो अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध करके उनसे क्षमा याचना की कामना भी करते हैं। सर्व पितृ अमावस्या के दिन कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको आप करके पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद भी ले सकते हैं। अमावस्या के दिन आपको पीपल की जड़ पर काले तिल को कच्चे दूध में डालकर पीपल की जड़ में उस जल को अर्पित करना है। कहा जाता है कि अमावस्या के दिन पीपल की जड़ पर जल अर्पित करने से हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। और इसके अलावा अमावस्या के दिन काले कुत्ते को इमरती भी खिलानी चाहिए। माना जाता है कि जो 16 श्राद्ध के दिन होते हैं इसमें काले कुत्ते को भी भोजन कराया जाता है, कौओं को भोजन कराया जाता है, चींटियों को भी भोजन डाला जाता है और मछलियों को भी आटा डाला जाता है। तो ये इन सबको खिलाने से हमारा भोजन है जो सीधे पितर ग्रहण करते हैं और हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। 16 श्राद्ध के कुछ ऐसे दिन होते हैं जिनमें ये सब ब्राह्मण को बुलाया जाता है, भोजन कराया जाता है और सबसे अधिक महत्व वस्त्र दान का होता है और उनको वस्त्र दान देकर उनको विदा किया जाता है। तो 16 श्राद्ध के दिनों में पितरों को प्रसन्न करने का सबसे अच्छे दिन माने जाते हैं। लोग पितर पृथ्वी पर आते हैं, अपने वंशजों से वस्त्र की कामना करते हैं तो उनको ब्राह्मणों को वस्त्र देकर दहम देते हैं तो हमारे वापस वस्त्र पितर ग्रहण कर लेते हैं। 16 श्राद्ध के दिनों में गाय को हरा भोजन खिलाना बिल्कुल ना भूलें। पितृ अमावस्या के दिन गाय को हरा भोजन वो चारा जो होता है वो अवश्य खिलाएं। ऐसा करने से हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद मिलता है और हमारे वंशज की बढ़ोतरी होती है। कहा जाता है कि अगर पितृ नाराज हो जाते हैं तो उससे हमारे बहुत से काम बिगड़ जाते हैं और घर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं और हमारे वंशजों की वृद्धि भी नहीं होती है। तो 16 श्राद्ध के दिन ऐसे होते हैं जिनमें पितरों को जल दिया जाता है, भोजन कराया जाता है और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, कौओं को रोटी डाली जाती है, चींटियों को आटा डाला जाता है। तो ये सब कार्य ये 16 दिनों के श्राद्ध में ही करे जाते हैं। इससे हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। तो 16 श्राद्ध के दिनों में जो कि कल पितृ अमावस्या है, 14 तारीख की है, वैसे तो पितृ अमावस्या आज 13 तारीख को रात 9 बजे लग रही है और कल तक रहेगी। उदय तिथि के कारण ये पितृ अमावस्या जो है कि वो 14 तारीख को मनाई जा रही है। तो कल जिसने भी श्राद्ध नहीं किया है तो कल अपने घरों में श्राद्ध कीजिए
और पितरों से क्षमा याचना कीजिए और उनसे प्रसन्न होने की कामना कीजिए और उनके आशीर्वाद उनसे ग्रहण कीजिए, जिससे कि पूरे साल आपके घर में धन वृद्धि होती रहे। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।